जो हमारा वाटर का है अभी यूज बहुत ज्यादा है, यूज यूज अमाउंट में हम इंडस्ट्रीज में, घर पे, बड़ी जो सोसाइटीज हैं उधर करते रहते हैं। क्या होता है इसमें जो वाटर, हमारा नॉर्मल वाटर सभी यूज करने के बाद से मैक्सिमम, अगर डोमेस्टिक देखें तो हम उसको ड्रेनेज या फिर किधर को बाहर बाहर की तरफ उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, भेज देते हैं किधर भी। उससे क्या हमारा जो इसेंशियल मतलब वाटर हमारा ग्राउंड की तरफ, ग्राउंड वाटर या फिर जो भी हमारा यूजेबल वाटर है वो खत्म होते जा रहा है। उसका वाटर, वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करके हम बिल्कुल उसको रीयूजेबल बना सके, पीने के लिए फिट फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। दोबारा से अगर इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री में जैसे हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं, कपड़े में यूज होता है, मेटल प्लेटिंग में यूज होता है, फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज हुई, उधर सभी जगह वाटर यूज होता है। और वो दोबारा से वो रिसाइकल करके वो सेम वाटर वही यूज करते हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो इसमें हमारे पास दो तरह के वेस्ट वाटर होते हैं, एक इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है और एक हमारा होता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में क्या होगा, जो हम फैक्ट्री का जो प्रोसेस होता है, अलग अलग फैक्ट्रीज का अपना प्रोसेस होता है, जैसे फूड फूड की कंपनी है उसका अलग प्रोसेस होता है, जो हम लोग बेवरेज कोका कोला ये सब थम्सअप वगैरह पीते हैं उनका एक अलग प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के बाद से हमारे पास बाई प्रोडक्ट्स के रूप में वाटर बच जाता है। वो वाटर क्या करते, नॉर्मली डिस्चार्ज कर देते, डिस्चार्ज कहीं नहीं कर सकते क्योंकि उसमें बहुत हजार्डस होता है, वो हार्डनेस उसका ज्यादा होता है, उसमें इम्प्योरिटीज ज्यादा होती है, पीएच अनबैलेंस्ड होता है, किसी का पीएच बहुत लो होता है, किसी का पीएच बहुत हाई होता है, जो कि एनवायरमेंट के लिए भी सेफ नहीं है और प्रोजेक्ट के कॉस्ट के हिसाब के लिए भी सेफ नहीं है। कॉस्ट का देखें तो उसके लिए भी हमारे लिए वो सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि उसी वाटर को क्लीन करके दोबारा से अलग अलग ट्रीटमेंट है, मैं वो भी आगे आपको स्लाइड में बताऊंगा, उसके थ्रू हम लोग ट्रीटमेंट के बाद से हम यूज करते हैं उसको, दोबारा से यूज करते हैं। जैसे उसके बाद ये इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो गया आपका, फिर आता है डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, फ्लशिंग का वाटर हुआ, कोई अपनी कार धो रहा है उसका पानी वैसे ही बाहर जा रहा है, जो फूड जो खाना बनाते हैं, खाना बना के वैसे छोड़ दिया, ड्रेनेज में छोड़ देते हैं, वो बाहर ही चला जाता है, वो अच्छा नहीं होता। जैसे कि अभी आप लोग देख रहे होंगे लॉकडाउन में यमुना बहुत साफ हो गई थी, सब लोग बोल रहे थे कि इतना अच्छा हो गया, वो इसलिए हुआ था क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारे बहुत कम हो गए थे। इंडस्ट्रियल वेस्ट कम हो गया, कोई हमारे पास उस समय फैक्ट्रीज बंद थी इसके लिए वाटर क्लियर हो गया था। अभी इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर के बाद से इम्प्योरिटीज क्या क्या होती हैं वेस्ट वाटर में, जो भी हम लोग वाटर यूज करते हैं उसमें, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स, मतलब सस्पेंडेड सॉलिड्स सॉलिड्स मीन्स 1 माइक्रॉन टू 10 माइक्रॉन तक इनके साइज होते हैं सस्पेंडेड सॉलिड्स के। टर्बिडिटी आता है, टर्बिडिटी मतलब थोड़ा वो विस्कस वाटर होता है उसमें, बाकी ये टीएसएस और बाकी सब के टीडीएस ये जो मेटल्स, हैवी मेटल्स उसमें होते हैं उनकी वजह से वो थोड़ा विस्कस दिखता है, वो एक टर्बिडिटी का फैक्टर होता है। हेलो, आवाज, एम आई ऑडिबल? नॉर्मल डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होते हैं उसमें, जैसे फ्लशिंग का हो गया, हमारा सीवेज का वाटर हो गया, उसमें क्लोरीन, उसका पीएच बहुत ज्यादा होता है, इवन नाइन नाइन के आसपास का पीएच होता है, 9 9.5। केमिकल ऑक्सीजन डिमांड उसमें, अगर इंडस्ट्रियल वेस्ट है हमारा तो उसमें केमिकल्स होते हैं उनका ऑक्सीजन डिमांड बढ़ता है, अगर वो आप डायरेक्ट किसी वाटर पे डालते हैं, मतलब किसी भी पॉन्ड में अगर ऐसे डिस्चार्ज कर दिया तो वो ऑक्सीजन डिमांड मतलब उसका डिजॉल्व ऑक्सीजन वो खत्म कर देता है। और नॉर्मली यही रीजन होता है कि जो फिश, कभी आपने सुना होगा कि तालाब में फैक्ट्री का वेस्ट वाटर आया उसमें मछलियां मर गई, उसके पौधे सूख रहे, वो डिजॉल्व ऑक्सीजन को खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। कुछ हमारे जो मेटल प्लेटिंग के प्लांट होते हैं, जैसे हमारी बाइक्स बनती हैं, बाइक का जो भी रिम हुआ,
हैंडल हुआ, उसके ऊपर हमारा क्या वो मेटल प्लेटिंग हुई रहती है, और मेटल प्लेटिंग में फिर करने के लिए क्रोम वगैरह करते हैं उसको रस्टिंग से बचाने के लिए। जब वो क्रोम निकल की प्लेटिंग होती है उस टाइम में वो बहुत ही हजार्डस वेस्ट वाटर होते हैं, मतलब बहुत ही हजार्डस क्रोम होता है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, किसी के लिए भी। तो वो रहते हैं, इन सबको हटाने के लिए हम लोग ये वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट का भी यूज करते हैं। ये हो गया टर्बिडिटी। आयरन सल्फेट होता है हमारा, कई जगह जिप्सम होता है, अदर गैसेस होती हैं जो उसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हो गई हमारी इम्प्योरिटीज जो वाटर में प्रेजेंट होती हैं। अब आते हैं एफ्लुएंट, जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर होता है उसको कॉमन लैंग्वेज में, मतलब इंडस्ट्रियल लैंग्वेज में हम लोग उसको एफ्लुएंट बोलते हैं। तो एफ्लुएंट को ट्रीट करने के लिए हम एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं। ये बहुत तरीके का होता है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, कई चीजों पे बेस होता है, एनारोबिक टाइप होता है, बायोलॉजिकल टाइप का होता है, एमबीआर, एमबीबीआर, एसबीआर, अलग अलग तरीके के इसके मेथड्स होते हैं। अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं ये ट्रीटमेंट। इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप कॉमन सेंस से सोचें तो अगर मान लीजिए किसी कंपनी में डेली 10 लाख लीटर पानी यूज होता है, 10 लाख लीटर, वो डेली 10 लाख लीटर पानी तो अगर मान लीजिए परचेस करता है कंपनी से, और फिर उसको 10 लाख लीटर वापस यूज करने के बाद से ये बाहर हम एनवायरमेंट में नहीं छोड़ सकते उसको, उसके लिए हमको दूसरी कंपनीज हायर करनी पड़ती हैं जो वो उस एफ्लुएंट को जो यूज हो चुका है, जिसमें हमारा अलग अलग इम्प्योरिटीज हैं उसमें वो यूज हो चुका है, तो उसको वो फिर लेके कहीं दूसरी कंपनी लेके जाती है और वो उसके लिए हाई चार्ज करती है। इसके लिए अगर आप ये खुद ही अपने के कंपनी में अपनी ही कंपनी में ये ईटीपी इंस्टॉल करके उसको अपना कॉस्ट बचा सकते हैं, इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट बचा सकते हैं, और जो वाटर है वो सेम दोबारा से रियूज हो रहा है, दोबारा यूज हो रहा है। तो इसके लिए हमारा वाटर कंजम्पशन भी, जो अर्थ का वाटर कंजम्पशन है पूरे एरिया का, वो बचा रहेगा। ये बेनिफिट्स हो गए। ये सर एक फोटो है, ये मेरे इधर ईटीपी प्लांट का ही है, यहाँ पे जहाँ मैं काम करता हूँ। ये बायोलॉजिकल सिस्टम है, प्योर बायोलॉजिकल सिस्टम, जिसमें हम कोई कॉगुलेंट केमिकल वगैरह होता है वो हम डोज नहीं करते, सिर्फ ये फुल्ली बायोलॉजिकल बेस्ड, मीन्स हम एक बड़े से टैंक में बैक्टीरिया डेवलप करते हैं, और वो बैक्टीरिया जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, ये नॉर्मली हमारा फैब्रिक मिल है जिधर कपड़ों की रंगाई उसमें प्रिंटिंग और बाकी सब काम होते हैं, अच्छे ब्रांड्स जैसे कैल्विन कूपर है, H&M है, इन सबों के कपड़े इधर बनते हैं। तो उसमें हम क्या, हमारे पास जो इम्प्योरिटीज आती हैं, कलर आता है, टर्बिडिटी आता है, PSS ज्यादा रहता है, जो कपड़ों के फाइबर्स होते हैं वो तक आते हैं हमारे पास, वो फाइबर्स वगैरह आते हैं, फिर COD COD आता है इनका, हाँ ज्यादा, और हाई PS पे, क्योंकि वॉशिंग करते हैं हम नॉर्मल सोप से डिटर्जेंट से वॉशिंग करते हैं, तो उसका PS भी बहुत ज्यादा होता है। तो उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जस्ट यहाँ पे एक pH न्यूट्रलाइजेशन के लिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज करते हैं, और उसके अलावा हमारा फिर इधर कोई भी केमिकल यूज नहीं होता, फुल्ली बायोलॉजिकल बेस्ड है। बायोलॉजिकल मीन्स आप, अगला टर्म इसमें आता है, इसको एयरेशन बोलते हैं, एयरेशन के थ्रू विदाउट केमिकल ट्रीटमेंट MBR सिस्टम लगा के करते हैं। इसके बाद से आता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हम किधर भी इंस्टॉल कर सकते हैं, इवन आप चाहें तो अपने कॉलेज में इंस्टॉल कर सकते हैं, पानी बाहर डिस्चार्ज करने के बजाय। बड़ी सोसाइटीज, इवन दिल्ली वगैरह में शायद कंपलसरी है कि उनके पास सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए बड़ी सोसाइटीज में। ये क्या होता है, नॉर्मली हमारा जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर आता है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर मीन्स फ्लशिंग का आ गया, किसी ने खाने का वो करके वैसे भेज दिया बाहर, तो इसमें क्या, इसमें हमारा नॉर्मली बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही यूज करते हैं हम लोग। पहले
ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का मैं डायग्राम से आपको समझाता हूँ। जो हमारा रॉ सीवेज है वो बार स्क्रीन चैम्बर्स जो हमारा सॉलिड्स होते हैं, जैसे कभी स्टोन आ गया, किसी वो डोमेस्टिक वेस्ट है तो उसमें हमारा प्लास्टिक बैग्स आ जाते हैं, ये सब आया तो ये रॉ स्क्रीन चैम्बर, जो बार स्क्रीन चैम्बर है वो उसमें से उसको रिमूव करता है, उसको उधर ही स्टॉप कर देता है। हमारा सिर्फ वाटर जो है और कुछ सॉलिड वेस्ट आता है। फिर आता है इक्वलाइजेशन और कलेक्शन टैंक। इक्वलाइजेशन मीन्स जितना भी सीवेज आता है, वेस्ट आता है, जो भी वाटर, फ्रेश वाटर भी उसमें आता है, कभी वॉशिंग का वाटर आता है, वो सभी आपस में एक जगह मिक्स करते हैं, उसको एयरेशन देते हैं। इसमें ब्लोअर रहता है, कोर्स बबल डिफ्यूजर आते हैं जो पानी के अंदर डिप होते हैं और उधर से नीचे से एयर करते हैं, जिसकी वजह से वो मिक्स हो जाता है। आपस में मिक्स होने के बाद से फिर ये नेक्स्ट में हमारा आता है प्राइमरी सेटलिंग टैंक। ये नॉर्मल सेटलिंग टैंक है जिसमें आने के बाद से थोड़ा पानी होल्ड होता है। यहाँ पानी होल्ड होने के लिए एक हमारा टर्म आता है डिटेंशन टाइम। डिटेंशन टाइम क्या है, हमारा टोटल पर डे का फ्लो रेट जो होता है वो, और प्लस पानी उधर कितने देर के लिए होल्ड होता है, वो टैंक का वॉल्यूम वो करते हैं। और डिटेंशन टाइम मतलब कितने टाइम के लिए हमारा पानी होल्ड हुआ, उतने देर में जो सॉलिड्स होते हैं वो ब्रेक हो गए होते हैं जो, और वो नीचे सेटल हो जाते हैं आपस में। नॉर्मली जो हमारा वेस्ट वाटर होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है, और एयरेशन के बाद से वो आपस में ब्रेक हो जाते हैं छोटे छोटे, और फिर वो दोबारा से आयोनाइजेशन होता है और वो दोबारा से आपस में जुड़ते हैं और हैवी होके नीचे सेटल हो जाते हैं। फिर जो उसके बाद से हमारा जो वाटर है वो हमारा एयरेशन टैंक में जाता है। एयरेशन टैंक या और बायोलॉजिकल टैंक जो भी बोले वो रहेगा उसमें। उसके बाद से उसमें उसमें हमारे H2S बाकी जो गैसेस होती हैं उस वाटर से वो रिलीज होती हैं। समटाइम क्लोरीन गैसेस होती हैं, क्लोरीन रिलीज होता है। इसका एक डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं। नाइट्रोजन हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होता है जो उधर वेस्ट में वेस्ट रहता है, तो इसको डीनाइट्रिफिकेशन भी बोलते हैं। डिजॉल्व ऑक्सीजन बढ़ता है और वो सारे जो जितने भी वेस्ट हैं वो सब हमारे रिमूव हो जाते हैं बाय एयर। और इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारा मटेरियल के अंदर आयोनाइजेशन होता है जो दोबारा से सेकेंडरी सेटलिंग टैंक में जाता है और वहां भी सेटल हो जाता है। यहाँ हम देख रहे होंगे एक वेस्ट एक्टिवेटेड स्लज उसको बोलते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। ये समटाइम ये इन्हीं बैक्टीरिया की वजह से इनके अंदर आयोनाइजेशन फॉर्म होता है। इसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं आपके टार्डिग्रेड, रोटिफर, साइफर, ऐसे छोटे छोटे बैक्टीरियाज होते हैं वाटर में जो जो वेस्ट होता है उनको डिकम्पोज करने के लिए काम आते हैं। डिकम्पोज करिए, आयोनाइजेशन करिए, उनको निगेटिवली चार्ज कर देते हैं। फिर अपोजिट चार्ज, कुछ जो मटेरियल है वो अपोजिट चार्ज चार्ज होते हैं, और एयरेशन होता रहता है, वो आपस में मिक्स होते रहते हैं। और अचानक से जैसे ही वो पानी सेटलिंग टैंक में गया, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक जिसको क्लैरिफायर बोला जाता है, अलग अलग तरह का वो सेटलिंग टैंक आता है। अगर छोटा प्लांट है तो वहाँ हम लोग ट्यूब सेटलर एक नाम देते हैं, ट्यूब सेटलर यूज होता है, लैमला क्लैरिफायर, ये सब सारी चीजें यूज होती हैं, जिसमें क्या वो सारा सेटल हो जाता है और ये नीचे से ड्रेन करके जो एक्टिवेटेड स्लज है उसको दोबारा से एयरेशन टैंक में डालते हैं। एयरेशन टैंक में डालते हैं ताकि उसका स्लज वॉल्यूम इंडेक्स, SVI बोलते हैं, स्लज वॉल्यूम इंडेक्स SVI 30। अभी मेरे पास सैंपल भी है, मैं इसके बाद से आपको दिखाऊंगा PPT के बाद से। स्लज वॉल्यूम इंडेक्स हमारा मेंटेन रहता है, और जब एक मतलब 1 लीटर में 300 मिलीग्राम से अगर ज्यादा होता है फिर हम लोग उसको स्लज ड्राइंग बेड की तरफ भेज देते हैं। स्लज ड्राइंग बेड क्या होता है, वो डीवाटर्ड करता है पानी को, मतलब स्लज हमारा एक जगह इकट्ठा रहता है और जो उनके वाटर होते हैं वाटर वो अलग कर दिया और सिर्फ वो सॉलिड स्लज बचता है। उसको बैग में पैक करके गवर्नमेंट डिस्पोजल के लिए ले जा सकते हैं, और अगर डोमेस्टिक वेस्ट है तो ये क्रॉप्स में, अगर आप खेतों में लेके जाएं उसको कर दें, वो बहुत बेनिफिट होता है, खाद का काम करता है वो। फिर उसके बाद से सेकेंडरी सेटलिंग टैंक से एक हमारा आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन करते हैं,
क्लोरीनेशन भी करते हैं, मीन्स उसमें क्लोरीन की डोजिंग करते हैं, जिसकी वजह से जो डिसइंफेक्टेंट समझ लीजिए एक तरह से, वो जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करके उसमें मिक्स करके इनको रिमूव कर दिया जाता है। और एक हमारा ड्यूअल मीडिया फिल्टर, ड्यूअल मीडिया फिल्टर आप ऐसे समझ सकते हैं, मल्टीग्रेड फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर आता है। आप नॉर्मली अपने आरओ वगैरह में भी देखे होंगे जो एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर ये सब यूज करते हैं। और क्लोरीनेशन की जगह आजकल यूवी यूज किया जाता है, नॉर्मल आपका यूवी का आरओ आता है कि यूवी वेस्ट है इस तरह का। तो ये ड्यूअल मीडिया फिल्टर आप ऐसे समझ लें कि जब एक टॉप पे हमारा बिल्कुल एक बेड टाइप का होता है, एक बड़ा सा टैंक होता है जिसमें नीचे कोर्स टाइप के स्टोन्स होते हैं, उसके ऊपर थोड़े छोटे, फिर छोटे, लास्ट में सबसे टॉप पे हमारा सैंड होता है। सैंड, सैंड या कॉटन कुछ भी डाल सकते हैं, जिससे हमारी वाटर की टर्बिडिटी वो लेस देन 0 हो जाती है, लेस देन 1 हो जाती है, जो नॉर्मली हम लोग कहीं इसको गार्डन को डिस्चार्ज कर सकते हैं या फिर आरओ प्लांट में ले जाके, आरओ प्लांट हर जगह लगा होता है, वो फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज हो सके, फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज हो जाता है। ये हमारा एसटीपी का था, एसटीपी जो बाद में, अगर हम एसटीपी के बाद से आरओ प्लांट लगाएं तो हम एक सीवेज का पानी पीने के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी को कुछ भी मतलब उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ये आते हैं हम एक केमिकल ट्रीटमेंट पे आते हैं, ईटीपी का। होता था जिस इनऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल आते हैं, जैसे हैवी मेटल्स आ गए, करने के लिए नॉर्थ केमिकल ट्रीटमेंट यूज करते हैं। में सेम बार स्क्रीन, ईटीपी मींस इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, जो ये अब हम आ गए इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर को रिमूव करने के लिए। इसमें आ गया हमारा बार स्क्रीन सबसे फर्स्ट, उसमें बड़े स्टोन्स भी आ सकते हैं, कभी कभी डाई का एक बड़ा पार्ट आ जाता है, उनको रिमूव करने के लिए हमारे पास स्क्रीन है। बार स्क्रीन के बाद से कलेक्शन टैंक कूलिंग इंस्टॉल होते हैं, कि अगर डाइंग या फिर ये सब मेटल प्लेटिंग होता है वो हाई टेम्परेचर पे होता है, तो वो वाटर हीट होता है, उसको फर्दर प्रोसेस के अगर आप हम दूसरे प्रोसेस के लिए यूज करना चाहें तो वो नहीं कर सकते। तो कूलिंग टावर उसमें टेम्परेचर 35 डिग्री लाता है। फिर कलेक्शन टैंक 2 में, कलेक्शन टैंक एक दूसरा कलेक्शन टैंक है, उधर को ट्रांसफर होता है पानी। फिर इक्वलाइजेशन होता है, इक्वलाइजेशन में हम पीएच न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, उधर फोर्स बबल के हमारे पास डिफ्यूजर होते हैं, ब्लोअर के थ्रू उसमें पानी गर्म गैसेस भी जाती है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के एक टर्म आता है कॉगुलेशन एंड फ्लॉकुलेशन का। कॉगुलेशन ये सब उसमें एलम एलम डाल सकते हैं, फेरिक सल्फेट और लाइम या कास्टिक वो ऐड करते हैं, जो उसको जो निगेटिवली वेस्ट वाटर होते हैं इसमें हम मेटल आयंस डाल के उनको ब्रेक कर देते हैं, और एक ये छोटे छोटे फ्लॉक्स बना देते हैं, स्लज के बहुत ही छोटे फ्लॉक्स बनता है। और बाद में हम डालते हैं इसमें पॉली इलेक्ट्रोलाइट जिसको बोलते हैं। पॉली इलेक्ट्रोलाइट मिक्स होने के बाद से ये सभी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रोलाइट को आपस में अट्रैक्ट करके एक बड़ा सा फ्लॉक्स बना देते हैं, सभी छोटे पार्टिकल्स एक बड़े बड़े से फ्लॉक्स में कन्वर्ट होके उसको नीचे सेटल हो जाते हैं, सभी एक साथ सेटल होते हैं और नीचे सेटल हो जाते हैं, और हमारे पास ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाटर विथ टीडीएस एंड सम ऑफ क्लोरीन रह जाता है, और बाकी सभी हम इसको स्लज ड्राइंग बेड को
ट्रांसफर कर देते हैं। ये केमिकल डोजिंग के बाद से क्लैरिफायर में जाता है, क्लैरिफायर में ये सेटल होने के बाद से इसका जो सर्ज है वो हम सर्ज ड्राइंग बेड बोलिए, उसके बाद से कई जगह फिल्टर प्रेस स्लज में से थोड़ा भी वाटर निकाल के बिल्कुल ड्राई करके इसको बैग में पैक करके डिस्पोज कर दिया जाता है, गवर्नमेंट के लिए डिस्पोज कर दिया जाता है। उसके बाद से आता है बायोलॉजिकल इसके बाद से इसका बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं होते, वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से ही रिमूव रिमूव करके क्लैरिफाई हम MGF इसकी टर्बिडिटी बिल्कुल जीरो करने के बाद से हम दोबारा फर्दर यूज के लिए मींस RO को फीड करने के लिए दे देते हैं। अब ये बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट पे हम आते हैं, इसमें कुछ भी नहीं, बस हमको pH मेंटेन करना होता है, बाकी का काम बायोलॉजिकल टैंक कर देता है। और उसके बाद से सेटलर आता है, इसमें डिटेंशन टाइम इंक्रीज करना पड़ता है क्योंकि हम एक सिर्फ एक बायोलॉजिकल से हम नहीं कर सकते, एक बायोलॉजिकल टैंक से इसको ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इसके लिए हमको डबल बायोलॉजिकल की जरूरत होती है। तो बायोलॉजिकल वन में हमारा 50% COD एंड अदर कंटेमिनेंट्स रिमूव होते हैं, क्लैरिफायर के बाद से वो ऊपर सेटल्ड साफ वाटर रहता है, बाकी चला जाता है। फिर बायोलॉजिकल टू क्या है, ये भी सेम वर्क करता है बट विथ MBR या MBBR ऐसे सिस्टम्स यूज करते हैं जो इसको इसकी टर्बिडिटी, इसका TSS जो टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जो एक हैवियर साइज के होते हैं, 1 माइक्रॉन से ज्यादा होते हैं, उनको वो होल्ड करके उनको बाहर ही रख देता है, इनको निकाल देता है। इसमें भी हम कंटिन्यूअस एक स्लज सर्कुलेशन कराते रहते हैं एक्टिवेटेड स्लज वॉल्यूम इंडेक्स को मेंटेन रखने के लिए। फिर हमारा ये सेम सिस्टम है रिवर्स ऑस्मोसिस मीन्स RO का। क्या है मल्टी स्टेज से हम इसकी रिकवरी अप टू 98%। अगर आपके पास 100 लीटर वाटर आया है, 100 वाटर आता है तो उसमें हम अप्रोक्सीमेट 98 लीटर प्योर वाटर जिसका TDS टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, नॉर्मली आप लोगों ने घर पे भी देखा होगा, घर का भी RO लगता है, तो उसमें हम लोग टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स को कंसीडर करते हैं और वही कम करने के लिए लोग घर में RO भी लगाते हैं। तो बिलो 500 अलग अलग मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट पे वो रिकवरी होती है इसके 98% तक, और रेस्ट का जो है 2% जो है हमारा फाइनल रिजेक्ट बचता है जो कि बहुत ही हायर TDS का होता है। इसका TDS नॉर्मली 1 लाख 1 लाख 20,000 1 लाख 30,000 तक का होता है। ये हमारा MBR सिस्टम है, मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर, ये विद द हेल्प ऑफ पंप चलता है। पंप ऐसे काम करता है, पंप सक्शन का काम करता है, पर इसके डिजाइनिंग पंप लेके हम चलते हैं। और इसमें एक ये वर्क कैसे करता है, इस टैंक में एक बड़े से टैंक में हम वो सभी बायोलॉजिकल टू का जो वाटर होता है उसको हम यूज करते हैं, बायोलॉजिकल टू के वाटर को, जिसमें से वो सभी स्लज या टर्बिडिटी जितना भी होता है वो बाहर रह जाता है, और विद बिल्कुल छोटे मेम्ब्रेन पोर साइज से आप देख रहे होंगे ये ऊपर जो पाइप्स हैं, जो पंप से जुड़ी हुई पाइप है, उसका नाम नहीं लिख रखा है इसने, उधर से वो वाटर सक करके डिस्चार्ज करता है, बिल्कुल जीरो टर्बिडिटी का वाटर आता है इसमें। और TDS हम नहीं कम कर सकते, TDS हम विथ जस्ट RO से कम होता है क्योंकि वो बहुत ही छोटे फाइन पार्टिकल्स होते हैं, 0.1 माइक्रॉन टू 1 माइक्रॉन के पार्टिकल्स होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए हमको स्पेशली RO ही लगाना पड़ता है।
ये आते हैं ऑस्मोसिस और रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मीन्स एक ट्रांसफर ऑफ हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन टू लोअर विद विद द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या, हम प्रेशर के साथ जो हायर कंसंट्रेशन का हमारा एफ्लुएंट कहिए या एटीपी का डिस्चार्ज वाटर होता है, विद द हेल्प ऑफ प्रेशर हम उसको लोअर कंसंट्रेशन की तरफ भेजते हैं, सेंड करते हैं। उसमें से जितने भी डिजॉल्व सॉल्ट्स हैं वो रिएक्शन में रह जाते हैं और बिल्कुल काम जो है वो हमारे परमिट साइड में जाते हैं। परमिट मीन्स प्रोडक्ट साइड, जो अच्छा होता है हम लोग यूज करते हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्रियल आरओ का है। इसमें एक ये बीच में पंप देख रहे होंगे, एक मल्टी स्टेज पंप है, हाई प्रेशर पंप है। उसके बाद में सिल्वर कलर का वो एक माइक्रॉन फिल्टर होता है, जो अपकमिंग उसके बाद भी टीएसएस जो हम केमिकल डोजिंग करते हैं इसमें एंटी स्केलेंट और बाकी सब, वो तक उनको रिमूव करने के लिए उनके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स बन जाते हैं उनको रिमूव करके ये फिल्टर के थ्रू हमारा आरओ में जाता है। इसमें से परमिट और रिजेक्ट निकलता है। ये हमारा एफ्लुएंट का, ये मेरे प्लांट का फोटो है। एक जो आप नंबर वन पे देख रहे हैं वो हमारा कलर्ड एफ्लुएंट आता है। जो कलर्ड एफ्लुएंट, जो हमारे कपड़े कलर होते हैं उनका एफ्लुएंट आता है। फिर हम वो एक इक्वलाइजेशन में जाने के बाद से क्या, पूरे दिन में अलग अलग तरह के कलर आते हैं, तो वो नंबर टू पे जाके सभी मिक्स होके ब्लैक हो जाते हैं। ये नंबर थ्री पे है हमारा बायोलॉजिकल का पानी, बायोलॉजिकल वन का पानी है ये, और जिसमें आप देख रहे होंगे नीचे स्लज सेटल हो रहा है। नीचे हमारा स्लज सेटल हो रहा है और ऊपर क्लीन वाटर दिख रहा है। और नंबर फोर पे है हमारा एमबीआर का वाटर, जो हम डायरेक्ट आरओ को फीड करते हैं। आरओ को फीड करने के बाद से फिर हमारा ये फाइव नंबर पे है आरओ वाटर, जो बिल्कुल इसका टीडीएस बिलो 100 है, जो ये कंपनी वाले अपने प्रोसेस के लिए यूज करते हैं। और ये ड्रिंकिंग पर्पस के लिए भी बिल्कुल फिट है, वो ऑक्सीजन प्लांट लाके इसको ड्रिंकिंग में यूज करते हैं। फिर जो ये सिक्स नंबर का है, ये हमारे आरओ वन का रिजेक्ट है। मीन्स अगर हम किसी आरओ में अगर आरओ चलाते हैं तो उसमें जितना पानी फीड किया उसके लिए हमको रिजेक्ट भी उतना ही निकालना पड़ता है। अगर 3 लीटर पानी फीड किया तो 15 लीटर रिजेक्ट आएगा और 35 लीटर हमारा प्रोडक्ट आएगा, जो बिल्कुल लो टीडीएस का पानी होगा। उसके बाद से ये जो 7 नंबर है ये हमारा फाइनल रिजेक्ट है, सॉरी 8 नंबर पे जो है वो हमारा फाइनल रिजेक्ट है। ये कंटिन्यूअस टू और थ्री के बाद से ये जो हमारा फाइनल रिजेक्ट बचता है वो 8 नंबर पे है। आप कलर देख सकते हैं बिल्कुल भी इसका ज्यादा टीडीएस इस टाइम पे हमारा 60,000 टीडीएस है इसका वाटर का। फिर जो पे वो मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर का रिजेक्ट है। वो मल्टी इवोपरेटर होता है, हम एक साइड से स्टीम देते हैं और जो हमारा 2% रिजेक्ट रह गया है, मीन्स आरओ से 98% की रिकवरी लेने के बाद से जो 2% हमारा रिजेक्ट रह चुका है, उसको हम मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर में यूज करते हैं। मीन्स इधर हमारा 1000 केल का प्लांट है और अप्रोक्सीमेटली 40-42 केल, 1000 केल मीन्स 10 लाख लीटर का है, और 40,000-42,000 के आसपास हमारा फाइनल रिजेक्ट आता है, जिसको हम मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर में यूज करते हैं। मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर कैसे करता है ये, इसमें हमारा वेपर सेपरेटर यूज होता है, कैलेंड्रिया जैसे मैकेनिकल के लड़के जानते होंगे, वाटर ट्यूब बॉयलर होता है। वाटर ट्यूब में जो ट्यूब्स के अंदर हमारे एफ्लुएंट रहते हैं और उन ट्यूब्स के बाहर हम स्टीम देते हैं। स्टीम का प्रेशर 4 kg 5 kg का स्टीम प्रेशर दिया और फिर ये सभी वाटर एक साथ, ये स्टीम हमारा बाहर चला जाता है उसको हीट करके, और जो वाटर है वो वेपर सेपरेटर में जाता है जिसमें से हाईली हीटेड वाटर रहता है और यहाँ प्रेशर ज्यादा रहता है, इसको सुपर हीटेड लिक्विड बोल सकते हैं, कि वो अपने
क्या बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर भी जाने पे वो लिक्विड है, वो कैलेंड्रिया में उतने प्रेशर पे रहता है, और जैसे ही वो हमारा वेपर सेपरेटर में जाता है वहां पे इसका प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर मींस ये नॉर्मल स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे आ जाता है, और जबकि हमारा वो सुपर हीटेड लिक्विड रहता है इसके लिए बहुत ही जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। वेपर में मैक्सिमम कन्वर्ट होने के बाद से वो वेपर हम दूसरे कैलेंड्रिया के लिए यूज करते हैं, और जो सेम वाटर है, वाटर जो उसमें रह जाता है जिसमें वो हम वो सेकेंड कैलेंड्रिया में जाता है। इसमें फिर ऐसे करते करते इसका कंसंट्रेशन, बाकी जितने भी वाटर हैं, ये 2% का वाटर रहता है, वो कन्वर्ट होके कंडेंसेट वेपर में कन्वर्ट होता है, और उसके कंडेंसेट को हम लोग वेपर सेपरेटर के थ्रू अलग कर लेते हैं। और लास्टली हमारे पास जो ये आप 7 नंबर का फोटो देख रहे हैं पिक्चर सैंपल में, तो वो बचता है हमारे पास, और जो वो हाईली टीडीएस होता है 1,50,000 1,60,000 का होता है। और मल्टी इफेक्ट इवोपरेटर का आप ऐसे यूज कर सकते, मतलब ऐसे समझ लीजिए जो हमारा लास्ट का वेस्ट वाटर होता है ना, आप घर पे खोवा बनाते होंगे, दूध डाला, उसको बर्न करते गए लास्ट में वो जाके कंसंट्रेट मदर लिकर बचता है, उसको जो 7 नंबर है उसको मदर लिकर बोलते हैं। उसके बाद से फिर हमारा ये मदर लिकर आने के बाद से वो लास्ट स्टेज होता है, उसके बाद से हम उसका साल्ट जनरेशन करते हैं। साल्ट जनरेशन के लिए हम लोग एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर यूज कर सकते हैं। एजिटेटेड थिन फिल्म ड्रायर यूज करेंगे, एक ड्रायर आता है, उसकी वजह से हम इसमें यूज करने के बाद से इसमें भी हम स्टीम देते हैं, एफ्लुएंट नीचे रहता है, और इसमें प्लेट्स लगी रहती हैं। वो प्लेट्स क्या, जो हमारे सरफेस पे, मेटल के सरफेस पे जब हम वाटर डालते हैं और वो हीटेड होता है स्टीम के थ्रू, आप पिक्चर में देख सकते हैं वो हीटेड रहता है, उसमें हमारा साल्ट चिपक जाता है, और हम प्लेट के थ्रू उसको रिमूव करके निकाल लेते हैं। और ये आप साल्ट का पिक्चर देख रहे होंगे फोटो में, ग्लास बीकर में ये हमारा साल्ट निकलता है, और जो कंडेंसेट होता है उसको भी हम दोबारा से यूज कर लेते हैं। ये सारा सिस्टम जो हमने अभी ईटीपी से स्टार्ट किया और मल्टी इफेक्ट इवोपोरेटर तक आए, साल्ट जनरेशन आए, इसको सभी सिस्टम को एक उसमें बाउंड करें तो हमारे पास बनता है जीरो लिक्विड डिस्चार्ज। मीन्स जीरो लिक्विड डिस्चार्ज मीन्स हमने जीरो लिक्विड जो है एनवायरनमेंट को डिस्चार्ज किया। ये नॉर्मली सभी लॉसेस वगैरह लेके 99% तक कारगर है। अगर साल्ट को ना ले, 1% का हमारा लॉस आता है, क्योंकि मल्टी इफेक्टिव ऑपरेटर में क्या है कि हम बहुत सी चीजें रिमूव हो जाती हैं। वो कूलिंग टावर के थ्रू, कूलिंग टावर यूज करते हैं, उधर से हमारा मैक्सिमम वेपर जो एफ्लुएंट है वो मैक्सिमम जो है वो एनवायरनमेंट को चला जाता है। इसको सभी सिस्टम को मिला के हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज बोलते हैं। सर ये हमारे पास एक वाटर सैंपल है, बायोलॉजिकल का है, ये इतना जो है हमारा लास्ट में स्लज बॉल। सर ये वाटर है, ये बायोलॉजिकल का है हमारा वाटर, इसमें 1 लीटर में हमारा 150 ml स्लज था, जो कि बिल्कुल अभी डाउन हो चुका है, और 30 स्लज वॉल्यूम इंडेक्स जो है हम 30 मिनट्स का लेते हैं, 30 मिनट्स से सेटल होने के बाद से देखते हैं। ठीक, ये हमारा कलेक्शन टैंक का वाटर है, आप कलर देख लीजिए एक बार, उसके बाद से फिर ये सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, ये लास्टली जो है हमारा आरओ का परमिट है, प्रोडक्ट वाटर जो हम लोग प्रोसेस को देते हैं दूसरे के लिए।
थैंक यू। थैंक यू आशुतोष जी, थैंक यू सो आपने मच। बड़े अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन किया और आपकी पीपीटी बड़ी इंफॉर्मेटिव थी। वाटर जो हमें एक हमारे नेचर से मिला हुआ फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ है और बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना जीवन संभव नहीं है, तो इसको बड़ा देख के हमें यूज़ करना चाहिए, पहली इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरा, हम प्रयास करें कि जो हम वाटर जो है वेस्टेज में डालते हैं उसको कैसे हम रीयूटिलाइज कर सकते हैं, सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि ये ग्लोबल चैलेंज है कि आने वाले कुछ टाइम में पीने के लिए भी पानी शायद अवेलेबल नहीं होगा। तो वी शुड थिंक ऑन दीज लाइन्स। एंड जैसा अभी आशुतोष जी ने बताया, आशुतोष सिंह जी हमारे एलुमनस भी हैं 2014-18 बैच फ्रॉम डॉक्टर के एन मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, and presently he is site engineer in Hyper Filtration Private Limited, Karnataka. So I would like to appreciate the efforts by Ashutosh ji. उन्होंने हमें वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में एनकरेज करने की कोशिश की कि जो हमारे आसपास की सोसाइटीज हैं या जहाँ पे हम ये कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। उन्होंने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात की कि वाटर को कैसे हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट दे के रिसाइकल कर सकते हैं। केमिकल ट्रीटमेंट भी उन्होंने बड़े अच्छे से हमको एक्सप्लेन किया। MBR सिस्टम, RO सिस्टम, MEE सिस्टम था और साल्ट जनरेशन तक का प्रोसेस उन्होंने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट ही फोकस्ड ऑन जीरो लिक्विड डिस्चार्ज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ वी कैन सेव वाटर ऑन दिस अर्थ टू सेव द लाइफ। सो आई वुड लाइक टू थैंक्स आशुतोष जी एज वेल एज बोथ अवर स्टूडेंट ओमांस एंड शुभम कुशवंदन टू मेक दिस प्रेजेंट दिस वेबिनार। I would like to thank all the audience to spare their valuable time and काफी कुछ हम सभी को सीखने के लिए मिला। आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे भी जब हमारी अभी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चलेंगी तो ये एक जो आज की यूथ है यंग पीढ़ी है उसको कुछ आप नया दे पाएंगे, कुछ उनको थोड़ा सजग कर पाएंगे। So I request you again to represent your things in presence of our students also. Thank you so much. Thank you so much. Okay.